नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं रोज़गार की तलाश में हैं और रोज़गार जो परक कोर्स हैं उसके संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज दी जाती है, उसी क्रम में ये जो वीडियो है ये है आईटीआई से संबंधित। आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जो आपको छोटे स्तर से लेकर आपकी जो महत्वपूर्ण आपकी जॉब है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है इसमें जो है आपके लिए ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण डिटेल आपको दी जाएगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट्स, फीस, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, फीस उनकी और किस तरीके से सीटों का विभाजन है। महत्वपूर्ण ट्रेड, ऐसी ट्रेड जिनमें आप यदि ऐसा कोर्स चुनते हैं आईटीआई का, आपको जॉब की जो गारंटी है वो मिल जाती है, जॉब के जो हैं ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो भी बताया जाएगा, अदरवाइज आपके जो पैसे हैं वो व्यर्थ ना हों। प्रीवियस कट ऑफ कितनी रहती है, किस तरीके से आपकी मेरिट बनती है और काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है महामारी की वजह से ऑनलाइन फॉर्म जो है लेट हो चुके हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आमतौर पर मई में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार जो संभावना है वो यही है इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके जुलाई माह में निकलेंगे। इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, ₹250 का आपका शुल्क लगेगा और ये जो फीस है ये आपकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए फीस में जो है आपको छूट दी गई है, एससी और एसटी के लिए उनके लिए काफ़ी मामूली फीस है। तो यहाँ से आप जुलाई में आवेदन कर सकते हैं जो लोग इच्छुक हैं आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात उद्योग में होने वाले जो कार्य हैं उनका प्रशिक्षण इस कोर्स के माध्यम से दिया जाता है। जो भी आपकी कंपनी है, बड़ी बड़े उद्योग हैं, उनमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसकी जो है आपको वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। अलग अलग कोर्स इसके डिवाइड होते हैं। यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में स्पष्ट है कि दो प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन होती है, एक होता है 8वीं क्लास पास और एक होता है मैक्सिमम 10th पास। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण अवसर होता है, 8वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी कोर्स इसमें संचालित किए जाते हैं। यदि एज की बात की जाए तो एज देखिएगा, कम से कम जो मिनिमम एज है वो आपकी जो है 14 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट होती है, कम से कम 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भरते हो जुलाई में, आपकी 14 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है आपकी 40 वर्ष से अधिक ना हो। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो महत्वपूर्ण होने चाहिए उनमें आपके पास आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। और आपके पास यदि आप स्कॉलरशिप लेने के इच्छुक हैं तो आय प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लें। तो कैंडिडेट्स यूपी के निवासी हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र रखें। अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो यदि यूपी में आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए निवास की कोई आवश्यकता नहीं है, तो निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें। और जिन लोगों को रिजर्वेशन लेना है ओबीसी एससी एसटी वगैरह, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो प्रीवियस में आपने पढ़ाई की हुई है किसी स्कूल या कॉलेज के माध्यम से, उसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अर्थात टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात सीसी की भी आवश्यकता होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनसे रिलेटेड होंगे, जैसा कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, 4 फोटोज होने चाहिए जो नॉर्मल बात है, और बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर यदि फीस की बात की जाए कि आपकी फ़ीस कितनी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीट और सरकारी कॉलेज में अलग अलग फीसें होती हैं। कॉलेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरे होते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज। यदि बात की जाए तो सीट के संबंध में, तो सीट में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो संख्या है वो 305।
एक दो कॉलेज ऊपर नीचे हो सकता है, 305 के लगभग कॉलेज हैं और 1200 से अधिक कॉलेज जो हैं आपके प्राइवेट हैं। तो ये कॉलेजों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सीटें हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में विभिन्न कोर्सों की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 26 से ज़्यादा कोर्स ऐसे हैं जो 10th के बाद होते हैं और 19 कोर्स ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा के बाद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कोर्स ऐसे हैं, डिप्लोमा कोर्स, जो 12th के बाद भी आपके लिए किए जाते हैं, वो 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने के होते हैं। तो यहाँ पर मैं मुख्य कोर्सों में जो सीटें हैं उनके बारे में यदि बात की जाए तो 1.25 लाख, अर्थात आप समझ सकते हैं कि 1,25,000 सीटें जो हैं वो सरकारी सीटें हैं। प्राइवेट सीटें जो हैं वो 3 लाख सीट हैं और यहाँ पर भी आपका टोटल यदि बात की जाए तो 4.25, अर्थात 4,25,000 जो हैं आपकी टोटल सीट हैं। इस टोटल सीट में आपकी फ़ीस की यदि बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आपकी फ़ीस है वो लगभग 10,000 रुपये है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस लगती है वो 10,000 रुपये लगती है और प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी फ़ीस लगती है वो 25,000 रुपये लगती है। तो 2 वर्षों में आपको जो है इतनी फ़ीस पेड करनी होगी, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष या 25,000 रुपये प्रतिवर्ष। तो ये आपके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए। यदि स्कॉलरशिप की बात की जाए कि स्कॉलरशिप आपकी कितनी आती है छात्रवृत्ति, क्योंकि छात्रवृत्ति जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है 100% आपकी स्कॉलरशिप आती है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये लगभग यहाँ पर देखेगा 14,000 रुपये के आसपास आती है, क्योंकि 10,000 रुपये आपकी फ़ीस होती है, उसमें कुछ ऐड होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आती है। यदि प्राइवेट की बात की जाए तो लगभग 25,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो ये आपकी स्कॉलरशिप का माध्यम है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण ट्रेड की, जहाँ से आपको जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब मिल सकती है। यहाँ पर यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के स्तर से पहले बात की जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो आपको स्ट्रीम चुननी है उसमें जो रहता है आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की जो आपकी ट्रेड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोको पायलट या रेलवे या किसी इंजीनियरिंग विभाग में जो है भर्ती हो सकते हैं। ऐसा ही है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से भी आपको जो है अच्छी जॉब मिल जाती है। और एक है आपका सिविल इंजीनियरिंग, इनकी भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। इसके बाद आप जो चुन सकते हैं ये फायरमैन है, ये आपका गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो है प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट बात की जाए यदि प्राइवेट जॉब के संबंध में तो आईटी से आप कर सकते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपकी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जिसे कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, वहाँ से भी आप ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। ये स्ट्रीम भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपके लिए फीटर की भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की जॉब में, तो ये ट्रेड चुनना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो सकता है। यदि बात की जाए अन्य ट्रेड के बारे में तो इसमें जो है आपका डाई मेकर काफ़ी अच्छा रहता है, ये जो है प्राइवेट जॉब के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपका जो आपकी पॉलीमर साइंस से होती है आईटीआई वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसी के साथ साथ आपकी रबर टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा आपको दिया जाता है आईटीआई का, वो प्राइवेट जॉब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो जॉब हैं 3 प्रकार की, ये प्राइवेट जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में एक जो प्राइवेट जॉब के लिए एक सेक्शन में और जोड़ना चाहूँगा वो है आपके लिए लेदर गुड्स, अर्थात फुटवियर के बारे में आपने सुना होगा, जो जूते वगैरह पहनने की आपका डिप्लोमा होता है आईटीआई का, यदि आप वो भी कर लेते हो तो यहाँ से आपको प्राइवेट जॉब जो है आसानी से मिल जाती है। बाकी जो ऊपर वाली ये ट्रेड हैं इनमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इन्हें ही लोग जो है चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो थी 10th के बाद की बात। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 8वीं पास हैं और 8वीं पास से भी अपनी आईटीआई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो वायरमैन के लिए आप चुन सकते हैं, इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट जॉब के भी अवसर रहते हैं यदि आप 10th पास कर लेते हो। और यहाँ पर यदि प्लम्बर की बात की जाए तो अच्छा खासा रोज़गार इन लोगों के लिए अपना स्वयं का मिल जाता है। यदि कारपेंटर की बात की जाए तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं।
पेंटर की बात की जाए तो यहाँ से आप अपना स्वरोजगार जो है महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी ये जो फुटवेयर का डिप्लोमा है वो लागू किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके के जो कोर्स हैं ये जो हैं इनमें से महत्वपूर्ण कोर्स हैं, बाकी जो हैं 19 तरीके के कोर्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं इसकी मेरिट के संबंध में और काउंसलिंग के संबंध में। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपसे मांगे जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपसे भरवाए जाएंगे आपके जो हैं अंक। उसके बाद जो है आपको जो है आपके जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके लिए आपकी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में जब आप चॉइस करोगे तो आपकी जो मेरिट बनती है वो मेरिट के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से बनती है। तो चार भागों में डिवाइड रहती है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो यहाँ पर यदि आपकी टेंथ स्तर पर जो परसेंटेज है वो 70% है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी प्राइवेट में सभी का एडमिशन हो ही जाता है भले ही आपकी परसेंटेज कम हो। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है 67% से अधिक होना चाहिए तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 60% पे भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है और एससी परसेंटेज में यदि बात की जाए तो 50% पे आपको आसानी से मिल जाता है। काउंसलिंग आपकी 2 से 3 चरणों में आपकी हो जाती है आसानी से। जैसे ही आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जो है पुनः काउंसलिंग करा सकते हैं, दूसरी चॉइस भर सकते हैं, हो सकता है आपको दूसरी बार में कॉलेज मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए आईटीआई से संबंधित थी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।